हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस रिप्रोडक्शन। इन योर अर्लियर क्लासेस क्लास वी डिस्कस व्हाट इज रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड वी डिफाइन द दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड लाइफ स्पैन and clone. These are the discussion in my first class or today my second class and second class to continue first class by the topic multiple fission. Multiple fission, as you know, fission. What is fission? Fission is a breakdown process where the animals or organism body is broken down and these bodies form new organism is called fission. A fission is a mainly two type. One is binary fission and second one is multiple fission. First we discuss in my first class is binary fission and after that we discuss multiple fission, which is second type of fission. In multiple fission, the parent bodies divide into many daughter organisms like amoeba, plasmodium, etc. If you know, these are the occurs in unfavorable conditions, environment conditions. Amoeba reproduce by multiple fission. It secrete a three layer protective chitinous cyst around it and becomes inactive. Then the nucleus divides repeatedly from several daughter nuclei which arrange themselves near the periphery. Each daughter nucleus is enveloped by a small amount of cytoplasm, thus forming amoebule of pseudopodiospore. On returning favorable condition, the cyst break off, liberating young amoeba which grow into new amoeba. In multiple fission, मैंने बताया कि जो मल्टीपल फिशन है, इस मल्टीपल फिशन में जो पेरेंट्स बॉडी है वो क्या करता है कि मैनी डॉटर्स ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है. इन दिस प्रोसेस the parent body divide into many daughter organism as in amoeba. जैसा कि आप जानते हैं कि अमीबा में होता है, और किस में होता है, प्लाज्मोडियम. एग्जाम्पल दिया जाए तो प्लाज्मोडियम क्या है, यह भी एक प्रोटोजोवन है जो क्या है, मलेरियल पैरासाइट्स है, मलेरियल काज करता है जिसमें ह्यूमन बॉडी में. इसमें होता क्या कि जो अमीबा है, मान लेते इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो जो अमीबा है, इस अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशंस में
जो इसके अंदर का न्यूक्लियाई है ये बार बार इसके चारों तरफ एक जिलेटिनस वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे ये बाहर नहीं निकल सकता, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है कि फेवरेबल कंडीशन नहीं है और यहाँ का जो अमीबा का न्यूक्लियस है वो बार बार डिवाइड होगा, बार बार डिवाइड होगा, और डिवाइड हो करके जितने न्यूक्लियाई हैं वो सब पेरीफेरी की तरफ चले जाते हैं। जितने न्यूक्लियाई हैं कहाँ चले जाते हैं? पेरीफेरी पर चले जाते हैं, ताकि वो फेवरेबल कंडीशन आती थी ये छोटे छोटे, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो इसका ये जो सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है वो सिस्ट क्या होता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है, जिससे ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है। टूटने की वजह से इसमें से जो न्यूक्लियाई अलग हुए हैं वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई बड़े अपना थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म ले करके अलग हो जाते हैं, और अलग हो करके ये नए अमीबे का फॉर्मेशन करते हैं इसके ब्रोक डाउन के बाद। आफ्टर दैट वी डिस्कस द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग। सेकंड जो एसेक्सुअल का मेथड है या मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है वो है बाय बर्डिंग। बाय बर्डिंग मतलब बर्ड के फॉर्मेशन के द्वारा भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये क्या है, मोस्ट कॉमन मेथड है, पाया किस में जाता है, लोअर ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। मोस्टली आपने देखा, अगर सुना हो तो ईस्ट सुना है। ईस्ट क्या है, एक फंगस है जिसके जो जिसमें क्या होता है कि ये ग्रो करता है और बड का फॉर्मेशन करता है, और ये बड जो होती है उससे सेपरेट हो जाती है, और सेपरेट होने के बाद नए ईस्ट के फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है, या नया ईस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस बडिंग को ही अगर देखा जाए तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। और दूसरा जो एनिमल है बडिंग के लिए वो है हाइड्रा। हाइड्रा में भी क्या होता है कि बडिंग का जो एग्जांपल अगर आपको देना है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मूड है उसमें बडिंग किस में पाई जा रही है, इसका मोस्ट कॉमन अगर देखा जाए, जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है, मेथड है ये जो रिप्रोडक्शन का, ये किस में पाया जाता है, मोस्ट कॉमन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर एनिमल आर ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है। उसमें देखा जाए तो ईस्ट सुने होंगे आप लोग, ईस्ट में पाया जाता है। सेकंड जो इसका एग्जांपल है वो है हाइड्रा का। हाइड्रा में भी क्या होता है, बडिंग के द्वारा नए हाइड्रा का फॉर्मेशन होता है। जो रिप्रोडक्शन होता है हाइड्रा में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसके द्वारा हाइड्रा का, हाइड्रा में क्या होता है, बड का फॉर्मेशन होता है। बड जब फेवरेबल अनफेवरेबल फेवरेबल कंडीशन मिलती है किसी कारण, बस ये एक्सीडेंटली या किसी और कारण से टूट जाता है, टूटने के बाद अलग होने से नए हाइड्रा का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो पहली बात है कि जो आउट ग्रोथ होती है किसी भी सेल्स की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जो आउट ग्रोथ होती है वो क्या कहलाती है, बड कहलाती है। आफ्टर दैट अगर देखा जाए तो हाइड्रा का एग्जांपल लेकर के हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है। जैसे कोई हाइड्रा है, ये इस तरह से है हाइड्रा, अगर आप देखें तो उसमें टेंटिकल्स ऐसे रहते हैं, टेंटिकल्स बने रहते हैं, इन्हीं टेंटिकल्स के द्वारा इनमें मूवमेंट होता है। और इसमें जो ये आउटर ग्रोथ दिख रही है, आउटर ग्रोथ है, इसी आउटर ग्रोथ को बोला जाता है इनिशिएशन ऑफ
बड, बड का स्टार्टेशन ऐसे ही होता है। बाद में यही क्या होता है, ये थोड़ा सा और बढ़ करके इस तरह का रूप ले लेता है। ये इसके टेंटकिल्स ऐसे ही बने रहते हैं। आफ्टर दैट ये इसमें ग्रोथ होती है और ये एडवांस बर्ड बन जाती है। एडवांस बर्ड बनने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो ये इससे अलग भी हो जाए तो एक अमीबे की तरह इसमें भी टेंटकिल्स आ जाते हैं। जैसे कि एक हाइड्रा था, पैरेंट हाइड्रा था, उसी तरह इसमें भी टेंटकिल्स पाए जा रहे हैं। ये टेंटकिल्स बाद में क्या होता है कि डिटैच हो जाते हैं और डिटैच हो करके नए हाइड्रा का निर्माण कर देते हैं। तो ये हुआ आपका दूसरा टाइप जो था, सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, वो था बाई बडिंग। आफ्टर दैट वी डिस्कस जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल फॉर्मेशन इसके बाद मैंने दो बताया आपको, एक तो बताया फिजन, दूसरा बताया बडिंग, जो कि क्या था कि ए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड था। और उसी कड़ी में या उसी चेन में मैं आपको थर्ड बताने चल रहा हूँ। जो थर्ड फॉर्म है वो थर्ड है आपका बाईजेम्यूल फॉर्मेशन। बाईजेम्यूल फॉर्मेशन, जेम्यूल फॉर्मेशन के द्वारा भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें होता क्या है कि जितने भी फ्रेश वाटर के और कुछ सम कुछ जो है मैराइन वाटर के जो स्पंजेज हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही फॉर्मेशन होते हैं। उनका स्पेशलाइज्ड क्या होता है कि उसमें एक्सोजीनस बर्ड का फॉर्मेशन जो होता है वो कहलाता है जेम्यूल। और उस जेम्यूल में क्या होता है कि इन फ्रेश वाटर स्पंजेस द जेम्यूल्स आर फॉर्म बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ आर्कियोसाइट्स। जो स्पंजेज होते हैं उन स्पंज में अगर देखा जाए तो बहुत कई तरह की सेल्स पाई जाती हैं, जैसे आर्कियोसाइट्स, क्रोमोसाइट्स, ये सब सेल्स हैं। तो उन्हीं सेल्स में आर्कियोसाइट की जो सेल्स होती हैं वो आर्कियोसाइट की सेल्स क्या करती हैं कि एक्यूमुलेट हो जाती हैं, एक स्थान पर अटैच हो जाती हैं और बाद में फूड को, रिजर्व मटेरियल को इकट्ठा कर लेती हैं और काइटनस वॉल का फॉर्मेशन कर लेती हैं। और ये काइटनस वॉल जब बन जाती है तो उस काइटनस वॉल के द्वारा बाद में ये आउटर मेम्ब्रेन को तोड़ करके बाहर की तरफ निकलते हैं और डेवलप नए जो है स्पंज का फॉर्मेशन करते। तो अगर पूछा जाता है कि जेम्यूल का फॉर्मेशन में किसके द्वारा किस में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम बता सकते हैं कि ये क्या किस में होता है, ये पाया जाता है फ्रेश वाटर एंड सम मैराइन वाटर स्पंज में पाया जाता है। फोर्थ है रीजेनरेशन क्या है? रीजेनरेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या करता है कि ऑर्गेनिज्म अपने टूटे हुए पार्ट से या छोटे से छोटे पार्ट से क्या करता है कि पूरे के पूरे टूटे हुए पार्ट से पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये ज़्यादातर जो पाया जाता है रीजनरेशन की जो प्रोसेस पाई जाती है अधिकांशतः कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, बाकी सब में नहीं पाई जाती है। जैसे आप देखा जाए तो हाइड्रा है, प्लानेरिया है,
जो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो प्लेनेरिया में पाया जाता है, इस तरह का रिप्रोडक्शन, जिसमें प्लेनेरिया के किसी भी पार्ट को आप काट करके अलग कर दीजिए, छोटा सा पार्ट होगा तो उस छोटे पार्ट से नया न्यू जो है प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे ही हाइड्रा में भी ये रिजनरेटिव पावर अधिक होती है, जिससे इसमें भी क्या होता है कि कहीं से भी ये कट जाता है तो वो अपने बचे हुए पार्ट को पुनः फिर से रीजनरेट कर लेता है, जिससे न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो रीजनरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, द ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस दियर ऑर्गन्स एंड प्रोड्यूसेस होल बॉडी। इट ऑकर्स इन लोअर आकर्स इन लोअर ऑर्गेनिज्म लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक इट ऑकर्स इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा प्लेनेरिया स्टारफिश हैव ग्रेट पावर ऑफ रिप्लेसमेंट ग्रेट पावर ऑफ रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट ऑफ लास्ट पार्ट। दिस फेनोमेनॉन इज नोन एज रीजनरेशन। इसी फेनोमेनन को क्या कहा जाता है? रीजनरेशन कहा जाता है। ये जो प्रोसेस है रीजनरेशन की, ये होती है कहाँ पर? सेल लेवल से स्टार्ट होती है, टिश्यू लेवल तक जाती है और ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है। अगर हम किसी हाइड्रा को क्या करते हैं, ट्रांसवर्सली कॉट देते हैं या दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, तो वो डिवाइड होने के बाद भी क्या होता है, वो हाइड्रा दो या अधिक पार्टों में जो बटा हुआ है उसका जो पार्ट खोया हुआ होता है या लास्ट वो पार्ट होता है, वो लास्ट पार्ट फिर से बन जाता है और दो या तीन नए हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि ये हाइड्रा है, इस हाइड्रा के को हमने क्या कर दिया कि इसके टेंटकिल्स वाले पार्ट को अलग कट कर दिया और इसका लोअर पार्ट भी अलग कट कर दिया। ये जब कट हुआ तो ये वाला पार्ट फिर से पूरा का पूरा नया हाइड्रा का फॉर्मेशन किया, जबकि उसका जो टूटा हुआ पार्ट छोटा वाला पार्ट था उसने भी क्या किया कि ये जो ओल्ड पार्ट था वो ओल्ड पार्ट फिर से पुनः उसी तरह हाइड्रे का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है। तो जो रीजनरेटिव पावर होती है सबसे ज़्यादा जो होती है किसमें पाई जाती है? प्लैनेरिया में पाई जाती है। इसमें होता क्या है कि जो कैपेबिलिटी होती है ब्रोकन पार्ट की, वो ब्रोकन पार्ट लास्ट पार्ट को फिर से बना लेता है। आफ्टर दैट रीजनरेशन वी डिस्कस फ्रैगमेंटेशन। फिफ्थ पॉइंट है फ्रैगमेंटेशन। अगर हम फ्रैगमेंटेशन की बात करें तो जो फ्रैगमेंटेशन है ये अधिकांशतः आप देखेंगे कि जो है ये प्लांट ग्रुप में पाया जाता है,
जबकि जो मैंने फिजन की बात की थी वो एनिमल ग्रुप में पाया जाता है। जो कैपेबिलिटी होती है इसमें फ्रेगमेंटेशन की, इस फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है कि उसका कोई भी पार्ट फिलामेंट का, या मान लेते कोई एल्गी है या कुछ भी है प्लांट का, अगर वो टूट करके गिर जा रहा है या टूट जा रहा है, उस पार्ट से अलग हो जा रहा है, तो जो नया पार्ट तो क्या करता है, वो टूटा हुआ पार्ट नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, तो फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। जैसे अगर देखा जाए इन फ्रेगमेंटेशन एलगी लाइक, इन फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन एलगी लाइक, एलगी लाइक यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा द थैलस ऑफन ब्रेक डाउन इंटू स्मॉल फ्रेगमेंट, ईच फ्रेगमेंट हैज कैपेबिलिटी टू ग्रो इंडिपेंडेंटली इंटू अ न्यू थैलस। That means Spirogyra is a thallus like structure like that अगर इसके thallus का कोई भी part टूट जाए तो जो टूटा part होगा वो नए उस fragment वाले part से नया स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा स्पोर फॉर्मेशन की। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं या एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। सिक्स जो पॉइंट है इसका, स्पोर फॉर्मेशन बाय स्पोर फॉर्मेशन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट पार्ट है वो है स्पोर फॉर्मेशन। कुछ ऐसे भी एल्गी हैं या कुछ ऐसे भी प्रोटोजोअन्स हैं जो क्या काम करते हैं कि उनमें देखा जाए तो जो जू स्पोर है उस स्पोर के द्वारा इनमें नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ प्लांट ग्रुप हैं जो इस स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ही क्या करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। इसमें आप एग्जांपल में अगर देना चाहें तो क्लेमाइडोमोनास क्या है, यूनिसेलुलर एल्गा है। ये है क्या चीज़, यूनिसेलुलर एल्गा। ये काम क्या करता है कि ये रिप्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर के फॉर्मेशन के द्वारा इसमें क्या होता है, नए क्लेमाइडोमोनास का फॉर्मेशन होता है। जो स्पोर होता है, अगर हम केवल स्पोर्स की बात करें, किसकी बात करते हैं, हम स्पोर की बात करते हैं। जो स्पोर है ये दो तरह का होता है, एक होता है मोटाइल और दूसरा होता है नॉन मोटाइल। दो तरह का होता है, एक मोटाइल होता है दूसरा नॉन मोटाइल होता है। जो मोटाइल होता है उसको बोला जाता है जू स्पोर, क्या बोला जाता है, जू स्पोर। जबकि जो नॉन मोटाइल है उसको बोला जाता है एप्लैनो स्पोर या फिर हाइपो स्पोर। एप्लैनो क्या बोलते हैं इसको, एप्लैनो स्पोर या फिर हाइपो स्पोर, हाइपनो स्पोर। ये कैसे होते हैं दोनों, नॉन मोटाइल और
जो मोटाइल स्पोर है उसको कहते हैं जू स्पोर। क्यों कहा जाता है जू स्पोर? क्योंकि जो मोटाइल होता है उसमें पाए जाते हैं फ्लैजला पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से वो क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूवमेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी डिस्कस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट, हम क्या बात करने जा रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये बनती है या पूछा जाता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है क्या चीज़, या इसी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ही क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, तो होता क्या है कि वेजिटेटिव का मतलब होता है बॉडी पार्ट। वेजिटेटिव मीन्स क्या होता, बॉडी पार्ट। उस बॉडी पार्ट के द्वारा जब कभी नए या न्यू प्लांट का फार्मेशन होता है, किसी भी प्लांट के बॉडी के पार्ट से जब न्यू प्लांट का फार्मेशन होता है, तब उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये दो तरह का होता है, एक नेचुरल होता है, दूसरा आर्टिफिशियल होता है। कितनी तरह का होता है? दो तरह का होता है, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है, दूसरा कैसा होता है, आर्टिफिशियल होता है, अर्थात मैन मेड होता है। किस तरह होता है? मैन मेड होता है। देखा जाए तो जो रीजनरेशन है इसमें, जैसे रीजनरेशन में था उसी तरह ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी है। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात कर लेते हैं, तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसकी डिफिनीशन होगी रीजनरेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, रीजनरेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द वेजिटेटिव ऑर्गन, पार्ट ऑफ द वेजिटेटिव ऑर्गन, वेजिटेटिव ऑर्गन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एज यू नो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर हम बात ही कर रहे हैं, तो इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन टाइप्स, अगर इसके टाइप्स की बात करें तो ये टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इसका जो टाइप्स है वो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या है? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सेकंड पॉइंट जो बनता है इसका, सेकंड टाइप है जो, वो है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल आर
आप कह सकते हैं मैन मेड, मैन मेड प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन और मैन मेड प्रोपगेशन, ये दो तरह का हुआ। जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसमें क्या होता है कि जो बॉडी है प्लांट की, प्लांट की बॉडी का कोई भी पार्ट, जैसा कि क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं सूटेबल कंडीशन पाने के बाद वो क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं, उसमें क्या है, स्टेम है, रूट है, लीफ है और फ्लावर है। ये सब क्या होते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, मॉडिफाई हो करके क्या कर देते हैं, प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट। यही क्या है, नेचुरल है। मैन मेड में क्या था, मैन में उसमें होना ही होना है, मैन के साथ होता है, जैसे कि मैन क्या करता है, अपने हिसाब से काम करता है, उसको काट के अपने हाथों से लगाता है, और ये जबकि कैसा होता है, अपने आप एक्सीडेंटली या वैसे ही कहीं पर पड़े हैं तो उस तरह से बढ़ते रहते हैं। तो ये जो नेचुरल नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसको मैं अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।